है वो मंच पर नहीं, वो ड्यूटी दे रहा है अपनी, जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरह से निभाई। तो कई दिन के बाद मैं यहाँ पे आए, कल बॉम्बे का प्रोग्राम था वहां पे गए, तो पूरे देश में आंदोलन चला रहा है, लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, वहां पंखे चलते हैं, गर्मी बहुत है, यहाँ पर ठंड बहुत है, ट्रेन चल नहीं रही। तो हमने कहा कि ये जो क्रांति है, जो किसान क्रांति है जो चल रही है, ये वैचारिक क्रांति है, जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई हो, जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई हो वो बंदूक से नहीं दब सकती, वो विचार से ही परिवर्तन होगा। बहुत पत्रकार पूछते हैं कि आंदोलन कब तक चलाएगा, जनता दुखी है, आंदोलन चलवा रही है भारत सरकार, जब भारत सरकार चाह जाएगी आंदोलन खत्म हो जाएगा। पब्लिक को भारत सरकार से पूछना चाहिए कि आंदोलन क्यों चल रहा है। 74 से प्रधानमंत्री और भारत सरकार, जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें लिखा जाएगा कि किसका कार्यकाल था, इतने लोगों की शहादत क्यों हुई, क्या कारण था। हमने कहा भाई मुद्दा यह है कि जब बाजार की वस्तु बन जाएगी रोटी, तो देश में आंदोलन नहीं होंगे। रोटी कोई बाजार की चीज नहीं होनी चाहिए, तिजोरी में तो सोना चांदी रहता है, अन्न तो प्राण शक्ति है, अन्न को तिजोरी में बंद करने का जो फार्मूला सरकार ने दिया है, यह आंदोलन तो उसके खिलाफ है। मतलब रोटियों को तिजोरी में बंद करके भूखे लोगों से आप क्रांति करवाना चाहते हो, इस तरह के कानून ये हैं कि अगर 1 रुपया किलो टमाटर या 1 रुपये किलो का अगर गेहूं का रेट है, जब वो 200 रुपया किलो हो जाएगा तो जब सरकार उन गोदामों को खुलवा सकती है, ये इस तरह का कानून है। जब महंगाई 200% बढ़ जाएगी, जब सरकार उसको खुलवा सकती है आम जनता के लिए, जितना हम पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से 4-5 स्टेट जितना गेहूं पैदा करता है, इतना उनके गोदामों में बंद होके वो ताला लग जाएगा। ये लड़ाई तो कंज्यूमर की भी है, ये सबकी लड़ाई है, ये लड़ाई उनकी भी है जो 4.5 करोड़ लोग रेहड़ी पटड़ी पे अपना गुजारा बसर करते हैं, जो 2 रुपए की कंघी और 1.5-2 रुपए का संदूर बेच के हमारी माताएं काम चलाती है, ये लड़ाई उसकी भी है। जब वो रेहड़ी पटड़ी वाले लोग, जो साप्ताहिक बाजार वाले लोग, जो व्यवस्था बंद हो जाएगी, उसी कंघी को हम लेने के लिए मॉल में जाएंगे, उसका रेट होगा 40 रुपया, उस संदूर की डब्बी का रेट होगा 160 रुपया, तो कहां जाएगी महंगाई। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत मजबूत से लड़नी पड़ेगी। फंडिंग की, खाने पीने की व्यवस्था हो रही, फंडिंग कहां से आ रही, अभी दिखा प्रेस के लोगों को कि फंडिंग यहां से आई, गांव के लोग सामान इकट्ठा करते हैं, यहां पान के बांटते हैं, लंगरों की व्यवस्था चल रही। कह रहे जी 50 दिन हो गए आंदोलन को, अभी तो एक फसली आंदोलन भी नहीं है, हम तो 3-3 फसलें भी खेती करते हैं, अभी तो एक फसल का आंदोलन भी नहीं है, अभी से कहां सरकार घबरा रही। अभी तो गेहूं की फसल का भी आंदोलन नहीं हुआ, गेहूं की फसल का भी, गेहूं बो के किसान आ गया और अप्रैल और मई में कटेगा, अभी तो मई तक का तो एक फसली आंदोलन है। 40 दिन और 50 दिन में ये समझती है सरकार कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये अपने दिमाग में से निकालते कि आंदोलन ये खत्म हो जाएगा, ना ये आंदोलन खत्म होगा, ना ये आंदोलनकारी खत्म होंगे, ये आंदोलन बादस्तूर जारी रहेगा। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाए, वे कानून वापसी ले ले,
वे एमएसपी पे कानून बनाते हैं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करते हैं, ये किसान अपने घर चला जाएगा। अभी 3 बिल हैं, इसके आगे भी और बिल हैं। अभी तो बीज का कानून आ रहा है, दवाइयों का कानून है, बिजली का कानून है, बहुत कानून आ रहे हैं। यह है कि आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से, जो कोई हिंसा की बात करता हो, जिसके दिमाग में खुराफात हो, उसको यह आंदोलन भी छोड़ना पड़ेगा, उसको यह स्थान भी छोड़ना पड़ेगा। वो अपना घर ला सकता है। अगर कोई हिंसक वारदात करेगा, कोई किसी का डला पत्थर मारेगा, वो उसकी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इस संगठन से उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ फेसबुक पर चल रहे हैं कि 26 तारीख में जो लोग वहां पे झंडा फहराएगा खालिस्तान का, उसको हम इनाम देंगे। उसको है कि पुलिस प्रशासन के लोग हैं, अपनी व्यवस्था बनाकर रखें, हम भी बनाकर रखेंगे। कोई इस तरह का व्यक्तिगत उसका फैसला होगा। इस संगठन से उस मूवमेंट का कोई मतलब नहीं है। किसी के दिमाग में खुराफात हो, कोई खालिस्तानी बतावे, कोई पाकिस्तानी, कोई अफगानिस्तानी बताता हो, तो ये हिंदुस्तान का झंडा फहराएगा यहाँ पे। हमने दिल्ली सरकार से भी कहा है कि इसका 26 जनवरी का बजट कितना है, जैसा हम कुंभ का बजट होता है हमारा, 26 जनवरी का भी बजट होगा। हमको 5 लाख नेशनल फ्लैग चाहिए, उस बजट में लिख लो। और हमको दो नेशनल फ्लैग, 5 लाख झंडे चाहिए हमको। हमको दिल्ली सरकार से चाहिए, जो 26 जनवरी का बजट जो बनाता है, जो भी उसका डिपार्टमेंट होगा, वह हम झंडा ही तो मांग ले, कोई और चीज थोड़ा मांग ले। हमने यहां कहा कि पुलिस के लोग, जिसका खाली डंडा होगा उसकी उसमें तिरंगा झंडा लगाने का काम ये किसान करेंगे। उनका झंडा खाली नहीं रहेगा, उनको हम झंडा देंगे और उस डंडे में झंडा रहेगा। हमने लोग भी रिपोर्ट हमारे पास आई कि जो हमारे रिटायर्ड फौजी हुए, जिन्होंने टैंक चलाए, वे किसान हैं। हम तो अदला बदली करना चाहते हैं कि किसान की वर्दी पहन के किसान टैंक चलाएगा और फौज की वर्दी पहन के हमारा जो जवान है वो ट्रैक्टर चलाए। ये आदान प्रदान हो, जब इतना नारा लगेगा भाई, जब इतना नारा लगेगा, जो भी फौजी भाई जिसने टैंक चलाया हो, वो किसान की वर्दी में वही टैंक चलवाएंगे। और जो हमारा नौजवान खेत में ट्रैक्टर चलाता है और वो फौज में है, वो ट्रैक्टर चला होगा वहां पे भी, तो जब भी तो हम कहेंगे कि हम ही जवान है, हम ही किसान है, जब भी तो मेल मिलाप होगा। ऐसे थोड़ा हो जाएगा मेल मिलाप। बड़ी तैयारी के साथ हमें, जो खास करके जो नौजवान है इस आंदोलन से जुड़ रहे, वे बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि ट्रैक्टर लेकर आएंगे। ट्रैक्टर उनका चलेगा बिल्कुल, ये जो 50-50 साल पुराने ट्रैक्टर है, जो भारत सरकार ने बंद कर दिए कि वो चल नहीं सकते अपने खेत में भी, वही ट्रैक्टर चल कर दिखेगा। वो ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर चलेगा, कोर्ट भी देगा, सुप्रीम कोर्ट में किसने याचिका डाली के किसान दिल्ली में नहीं आ सकता। 17 तारीख में फैसला, ये तो सौभाग्य की बात है कि किसान का मसला देश के, किसान का मसला तिरंगे के साथ में कौन सा एक्ट होगा, कौन सी धाराएं होगी कि तिरंगे पे 26 तारीख में रोक लगेगी, कौन सा कानून है, यही तो देखना। चलेंगे सब लोग, तैयारी अपना कर लो, अपने जो ट्रैक्टर ट्रोली उसमें गरीब वरीज ठीक कर लेना, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बढ़िया धुलाई उलाई उनकी हो गए, क्योंकि दिल्ली की परेड होगी, पूरी दुनिया की ऐतिहासिक परेड होगी। ऐतिहासिक परेड, हमने झंडा मांगा है, हमने दान में झंडा मांगा, फंड भी मांगा। और ये नहीं कि नहीं इकट्ठा होगा सारा झंडा, झंडा जिसकी जो आस्था है सबसे बड़ी, देखो कितनी आस्था है। हमने झंडा मांगा 3 दिन पहले,
तो जिन चैनल वालों को आप कहते हो कि ये चैनल नहीं दिखाना चाहते, उन्हीं चैनल के लोगों ने, उसका नाम तो नहीं बताएंगे, उन्हीं चैनल के लोगों ने सबसे पहले जो चैनल आए कि हमारे जो विश्वसनीय है हमारी खराब हो रही है, उसी चैनल के लोगों ने 1000 झंडा जिस दिन कहा, ठीक 5 घंटे बाद में 3-4 दिन पहले उन्होंने 1000 झंडे तिरंगे झंडे यहाँ पे दिए, उसी चैनल ने दिए। हमने सारे चैनलों को कहा है आप झंडा लो, हम तिरंगा झंडा ही तो मांग रहे, नेशनल चैनल से मांग रहे और सब मांग रहे, सबसे मांग रहे, ये नहीं कहीं खट्टा यहाँ पे दो, आप बांट दो, जिसको भी तिरंगा बांट दोगे वो 26 तारीख तक तिरंगा झंडा अपने घर पर लगाएगा, ट्रैक्टर पर लगाएगा, अपनी साइकिल पर लगाएगा, मोटरसाइकिल पर लगाएगा, अपने हाथ में रखेगा। दुनिया की ऐतिहासिक परेड बननी है ये। बातचीत कल भी होगी भारत सरकार से, करेंगे बात, जो भी निर्णय होगा आपके सामने आएगा। कमेटी, एक कमेटी भी बनी है, कमेटी के मेंबर कौन है, उनकी विचारधारा क्या है, उन लोगों की विचारधारा यह है कि उनके साथ में 1990 में आज से 31 साल पहले उन विचारधाराओं के लोगों से बातचीत हुई थी, उनके जो लीडर थे जिस पाठशाला में वो पढ़े उनके प्रिंसिपल से बात हुई थी, मुजफ्फरनगर के अंदर सुकरताल जाट धर्मशाला में वो मीटिंग हुई, उन्होंने अपने कापी कलम निकाला, टिकैत साहब उस मीटिंग में शामिल थे, हम भी थे, उन्हें लगा कि जो भैंस या गाय का बच्चा है वो एक दिन में अगर 1.5 लीटर दूध पीता है तो महीने में कितने का दूध पिएगा, एक साल में वो कितने रुपए का दूध पिएगा। उस विचारधारा के लोग हैं कि जो भैंस के बच्चे के दूध का हिसाब रखते हो वो किसान नहीं हो सकता। टिकैत साहब ने कहा कि आप किसान नहीं हो, आप खेती नहीं करते, आप जो व्यापारी हो, जो हमारे बैल के दूध का हिसाब रखता हो वो किसान नहीं हो सकता, वो व्यापारी हो सकता है। ये उसी व्यापारिक विचारधारा के लोग उस कमेटी में शामिल है, उसी पाठशाला के पढ़े हुए लोग शामिल है, इन्होंने ही बिलों का आज से 10-10 दिन पहले, 1-2 महीने पहले समर्थन कर रखा है, इन्हीं को राज्यसभा चाहिए। बिल का जो रिजल्ट आएगा कमेटी का, रिजल्ट सबको पता है, ये लोगों को बिलवाएंगे, उनसे ड्राफ्ट लिखवाएंगे और 1 महीने बाद में रिपोर्ट दे दो, 10 दिन बाद में रिपोर्ट दे दो, कमेटी के नाम आते रिपोर्ट आएगी, उन बिलों के समर्थन में ये कहेंगे कि इन बिलों से किसान सहमत है, ये उन कमेटी की रिपोर्ट आएगी। तो जिस चीज का सजा से पहले, मुकदमा चलने से पहले जहां पर सजा मुकर्रर होगी हो, जब जज वकील बन जाएगा तो सजा तो निश्चित होगी। ना ना मैंने ना करा, भूपेंद्र सिंह मान कमेटी में है, रिपोर्ट दे अपने, विचारधारा क्या है, आगे कमेटी भाग्य छोड़ गए, ये सारे छोड़कर भाग गए। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट भगवान तो हमने नहीं देखा लेकिन कोर्ट देखा, उसको भी हम गॉड की तरह ही मानते हैं, उनका धन्यवाद है कि उन्होंने संज्ञान लिया किसानों का। और हमने ये भी उनको कहा है कि जो उन्होंने जो बुजुर्ग वर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं इस चीज पर, ये उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो यह है कि आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आप चलाओ, शांतिपूर्ण आंदोलन ही लंबा आंदोलन चलेगा, इस आंदोलन का अंत क्या होगा यह भी किसी को नहीं पता, यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा यह भी किसी को नहीं पता, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भीड़ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप इसको रूटीन में चलाते रहना, हो सके कि आंदोलन 1 साल चले, हो सके कि आंदोलन 2 साल चले, हो सके कि आंदोलन 3 साल चले, तो अपना शांतिपूर्ण तरीके, आदमी को घर की याद आए, वो अपने गांव की खेत की मिट्टी ले आना, उसको हाथ में रखना, जब उसको फार्म की याद आए तो हाथ में ऐसे जब रखेगा
जैसे नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम रोटी मांगते हैं, तो ऐसे अगर तुम आप खेत की मिट्टी रखोगे तो आपके खेत के दर्शन उसी में होंगे। जरा प्यार से भाव लगा के और उबरने वाले का 100% खेत के दर्शन होंगे, आपके गांव के दर्शन होंगे उसमें। आप ले जाना तो किसी भी मेरे भाई को अगर अपने घर की याद आ रहे तो उसके अपने जब भी लोग आवे तो एक प्रोग्राम हम बनाएंगे कि वो मिट्टी हम इकट्ठी करेंगे उस मिट्टी को, और उस मिट्टी का फिर देश में आदान प्रदान भी करेंगे। उस मिट्टी को अपने पूजना स्थान पर रखेंगे हम अपने घरों में। ये इस आंदोलन की मिट्टी होगी, ये पूरे मेरे देश की मिट्टी होगी, यार खेत की मिट्टी होगी। उस मिट्टी को आदान प्रदान भी हम सारे जत्थेबंदियों में करेंगे, वो मिट्टी तो पूजनीय होगी। तो मेरा सभी से यह है कि आंदोलन को हम पीसफुली रखेंगे। मेरे जितने नौजवान साथी हैं उनको आंदोलन से सीखना पड़ेगा। आंदोलन कैसे चलते हैं, जो आंदोलन के तजर्बेकार लोग हैं उनसे सीखो। आंदोलन हिंसक से नहीं चलता, आंदोलन चलता है शांति से, आंदोलन चलता है बैठने से। जब आप बैठोगे, आपको जाना है अपने घर का काम है, आप कर जाओ, 4 दिन 10 दिन वहां पर हो, दूसरे वाला आ जाएगा, आदान प्रदान हम करते रहे। अभी प्रेस में मीटिंग है, चैनल पर प्रोग्राम है, वहां पे अभी जाऊंगा, उसमें करूंगा, और कल वल शाम को फिर आ जाएंगे। रात भी हम कल सुबह ही गए, रात परसों नहीं सोए क्योंकि 3:30 बजे उठना पड़ा, बॉम्बे गए, कल की मीटिंग करी, रात को फिर 1 बजे तक फिर वापसी आए, फिर सुबह ही फिर आ गए, सुबह से ही 8 बजे से 9 बजे से घूम रहे हम सब जगह। तो बढ़िया आपका आंदोलन चल रहा, अपना चलाते रहो, लंगर भंडारा आपका चल रहा है, माताएं बहनें बच्चे सब लोग आ रहे हैं, अपना भाई महिलाओं से भी बात करो, बच्चों से भी बात करो। अच्छा जो ट्रैक्टर है भाई, ट्रैक्टर में वही शामिल होगा कौन सा व्यवस्थित रूप से चल सकता होगा। हर आदमी तो नंबर एक तो नहीं हो सकता, जो ट्रैक्टर जो तेज चलाते हैं और एक दूसरे से आगे निकालने की होड़ करते हैं ये ना करना। देखो अगर कोई इस तरह से निकाल लेगा जो लिस्ट लिस्ट की बनेगी उसको फिर हम आंदोलन से भी भाव भेज देंगे, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल लेंगे, फिर बिल्कुल उनके घर वालों कहेंगे, गांव वालों कहेंगे ट्रैक्टर वाला नहीं आएगा। भाई आपको टैंक के बराबर बराबर टैंक राइट साइड में चलेगा, आपका ट्रैक्टर लेफ्ट साइड में चलेगा, उन दोनों की स्पीड मैच करनी है कि ट्रैक्टर लो में चलेगा, लो के कौन से गियर में चलेगा। आप तो टैंक से आकर निकल जाओगे, ऐसे थोड़ा के फौज से भी आप आकर निकल जाओगे। तो शांतिपूर्ण तरीके से जो भी ट्रैक्टर वाला सभ्य तरीके से चलेगा उसी का नंबर वहां परेड में अगले वाली रोम आएगा, ऐसे नहीं कि कोई भी चला जाएगा वहां पर। तो सब शांति से चलाओगे और जो चक्कर काटेगा ना, ऐसे जो चक्कर काटेगा उसका तो रखेगा बिल्कुल पीछे, उसको नहीं आने देने जाके, क्योंकि बहुत व्यवस्थित तरीके से चलाना पड़ेगा। जो टैंक होगा टैंक राइट साइड में चलेगा जिधर, क्योंकि टैंक बैरल जो उसकी नाल होती है उससे सलामी देते हैं, ट्रैक्टर बराबर में रहेगा उसके। तो कौन कौन से ट्रैक्टर रहेंगे, पहला जो ऊपर की साइड में ट्रैक्टर रहेगा वो रेड कलर का रहेगा, जो बीच का ट्रैक्टर रहेगा वो व्हाइट कलर का रहेगा, और जो नीचे की साइड में रहेगा वो ग्रीन कलर का रहेगा। तो ये भी व्यवस्था बनाएंगे कि ट्रैक्टर से ही हम नेशनल फ्लैग बनाएंगे। तो बहुत सी चीजें होनी, उनका सब चीजों का ध्यान रखना, और राष्ट्रीय पर्व है उसको बहुत मजबूती से, दुनिया का ऐतिहासिक परेड होगी, इसको पूरी दुनिया देखेगी। आज भी मेरा शाम को एक अमेरिकन उस पर प्रोग्राम है, वो सीधा लाइव टेलीकास्ट 9 बजे से शुरू होगा और वो करीब 42 देशों में देखा जाएगा। वहां के लोग हैं जो उस चैनल को चलाते हैं, अभी उनसे बात करेंगे, उन्होंने वे 3 दिन का टाइम मांग रहे हैं, तो पूरी दुनिया देखेगी। वहां से सवाल जवाब मांगेंगे, उनके सवाल जवाब देंगे, तो 1.5 घंटा उनके चैनल पर बैठना है, यहाँ से पूरा लाइव वो चलेगा, वो रेडियो चैनल है समझो उनका, पूरी दुनिया में चलता है। तो भाई धन्यवाद आप सब लोगों का, और जो हमारे संचालक महोदय है, हमारी पूरी टीम यहाँ पे है। गर्मी भाई, दिन में गर्मी रात में ठंड, ये जो मौसम का मिजाज है, ये बारिश भी जा सके ध्यान रखना, बारिश से हटना नहीं किसी को भी, अपने कपड़े लपड़े का ध्यान रखो, ठीक है जी, चलो।